नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बीते दिन सोमवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। इस मेले में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव की झलक की वजह से यह और भी ज्यादा सुर्खियों में है। इस बार इस मेले की थीम को वोकल फॉर लोकल टू वोकल रखा गया है। आपको बता दें कि ये मेला 14 नवंबर से महीने के अंतिम सप्ताह यानी कि 27 नवंबर तक चलने वाला है। इस मेले में भारतीय उत्पाद को प्रदर्शित किया जाएगा, जहां कुल 2500 प्रदर्शक देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि इस मेले की वजह से बिहार को दुनिया भर में नई पहचान मिल रही है। दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ये अंतर्राष्ट्रीय मेला अपने आप में ही खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ देश विदेश के कई लोग आते हैं जो कि यहाँ आकर खरीदारी करते हैं, साथ ही भारत की अलग अलग राज्यों में बने उत्पादों से रूबरू होते हैं। आपको बता दें कि इस मेले में एक विशेष बात यह भी है कि बिहार के विभिन्न जिलों में तैयार किए जाने वाले अलग अलग उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए अलग से पवेलियन तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन उद्योग विभाग के विशेष सचिव एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोदय बोर्ड के CEO आलोक कुमार ने किया है। आपको बता दें कि इस मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया है, साथ ही उत्तर प्रदेश और केरल को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। इस मेले में कुल 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। वहीं बात की जाए लद्दाख की, तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इस मेले में लद्दाख के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय राज्यों ने भी हिस्सा लिया है, जिनमें अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश, बहरीन, बेलरूस, ईरान, वहीं नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, UAE, वियतनाम आदि जैसे बड़े देशों के नाम भी सामने आए हैं। इस बार 15 दिनों तक चलने वाले उस उद्योग में बिहार के उत्पादों की काफी बिक्री होने वाली है, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के खादी के उत्पाद के अलावा हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार खादी उत्पादों में कुर्ता, पजामा, कोट, चादर सहित कई उत्पाद लोगों को खूब लुभा रहे हैं। वहीं बात की जाए स्टार्टअप की, तो इस बार बिहार पवेलियन में नए स्टार्टअप कर रहे लोगों को भी जगह दी गई है, जिसकी वजह से बिहार में बने उत्पादों को लोगों तक दिखाने का नया जरिया मिला है। इस मेले में आपको बिहार के भागलपुर के सिल्क के वस्त्र, मधुबनी एवं दरभंगा की सूती वस्त्र, मिथिला की चित्रकला, पिकुली चित्रकला के साथ साथ मंजूषा चित्रकला के कई उत्पाद को उतारा गया है। आपको बता दें कि इन चित्रों को न केवल भारत में रह रहे लोग बल्कि काफी संख्या में विदेशी लोग भी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर बिहार की ग्रामोदय सामग्री में घानी का तेल, स्थानीय उत्पादों से तैयार साबुन, अगरबत्ती, धूप, अचार, पापड़, बैग सहित कई उत्पाद भी लोगों को काफी तरह से आकर्षित कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत काम करने वाले उद्यमियों को भी मेले में प्राथमिकता दी गई है, जिससे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इस मेले की शुरुआत में 15 दिन बिजनेस डे के होंगे, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ व्यापारी दर्शकों को आने की अनुमति दी गई है। इसके बाद ये मेला आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा। अब हम आपको बता दें कि इस मेले में जाने के लिए आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 67 स्टेशन पर टिकट की सुविधा कराई गई है, साथ ही आप ITPO के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं ITPO के जनसंपर्क अधिकारी विवेक नंदन ने बताया कि मुख्य आयोग प्रगति मैदान के लिए ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग इस मेले में अपनी वाहनों से आएंगे उनके लिए पार्किंग की जगह बनाई गई है, जो कि भैरव मार्ग पर होगी। वहीं लोग मेट्रो में आएंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बराबर वाले गेट से प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।